अभी कुछ महीनों पहले की न्यूज़ में ऐसा देखा गया था कि बहुत सारे यंग फिल्म एक्टर्स जैसे कि सिद्धांत सूर्यवंशी, राजू श्रीवास्तव या इवन फेमस साउथ के एक्टर पुनीत राजकुमार की डेथ हो गई एक्सरसाइज करते वक्त जिमिंग के दौरान। ऐसी सब न्यूज़ को सुन के एज पेशेंट्स लोगों के मन में खासा डर बैठ जाता है। उन्हें लगता है कि एक्सरसाइज या जिम करना सभी के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन एज डॉक्टर्स या हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स हमारी ये ड्यूटी है कि हम पेशेंट्स को बताएं कि ऐसे कौन से कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं जो यंग एज में एक्सरसाइज करने के दौरान अपने आप को इस नौबत में ला सकते हैं। फ्रेंड्स, इस बात में तो कोई भी दो राय नहीं है कि एक्सरसाइज करना हमारी हेल्थ को बूस्टेड रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कुछ अगर हम सिंपल टिप्स को ध्यान में रखें एक्सरसाइज करने के दौरान तो हम अपने आप को बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं जो अगर एक्सरसाइज करते वक्त पेशेंट महसूस करता है तो उन्हें उसी वक्त उस एक्सरसाइज को टर्मिनेट कर देना चाहिए। पहला सिम्टम, छाती में दर्द होना, छाती में दबाव महसूस होना, सांस की तकलीफ होना, चक्कर आना या बेहोशी जैसी सिम्टम होना। उसी के साथ तीन एडिशनल सिम्टम्स जैसे कि लेफ्ट शोल्डर में पेन होना, बैक एक होना, थ्रोट में कंजेशन या चोकिंग की फीलिंग आना, ये भी कुछ वार्निंग साइंस होते हैं। ऐसे कोई भी सिम्टम्स अपीयर होने पर सबसे पहले पेशेंट्स को एक्सरसाइज कंप्लीटली रोक देना चाहिए। अब कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं जिन्हें ओवर एक्सरसाइजिंग से बचना चाहिए। पहली कैटेगरी है वो पेशेंट जिन्हें डायबिटीज़ की बीमारी है, दूसरी कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं जिन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तीसरी कैटेगरी के वो पेशेंट्स होते हैं जिनकी फैमिली में स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है हार्ट डिसीज़ की, और चौथी कैटेगरी है वो पेशेंट्स की जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। ये सभी वो कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं कि जिन्होंने अगर जिम में ओवर एक्सर्शन किया तो इन्हें हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के साथ साथ बहुत फास्ट एक्सरसाइज करना भी एक माइंडलेस एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो सकता है। तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें जिन्हें हमें हर कीमत पर एक्सरसाइज करते वक्त अवॉइड करना चाहिए। पहली चीज़, बहुत ज़्यादा वेट उठा लेना। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा रेपिटेशंस करने ना आदत न हो तब भी। और तीसरी चीज़, बिना ब्रेक लिए कंटिन्यूस लॉन्ग पीरियड तक एक्सरसाइज करना। मोस्ट ऑफ टाइम्स क्या होता है, जब भी पेशेंट्स फिजिकली एक्टिव नहीं होते अपने चाइल्डहुड में और अपनी जवानी के दौरान, और वो सडनली एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने का प्लान कर लेते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा जोश होता है। लेकिन कभी कभी इस जोश में वो अपना होश खो बैठते हैं और एक्सरसाइज के दौरान कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिम को हिट करने से पहले अपने हेल्थ स्टेटस का एक बेसिक असेसमेंट कर लें, और जब भी जिम में एक्सरसाइज करें अपनी एक्सरसाइज कैपेसिटी को ग्रेजुअली बिल्ड करें। अब हार्ट रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक कॉजेस होते हैं जिनकी वजह से पेशेंट अचानक से जिम में एक्सरसाइज करते करते कोलैप्स हो सकता है। इन कारणों में सबसे पहले आता है प्लाक रप्चर, जिसमें हार्ट की जो खून की नसें होती हैं उसमें अचानक से एक प्लाक रप्चर होने की वजह से अर्जेंट ब्लॉकेज फॉर्म हो जाता है। दूसरी सिचुएशन होती है अरिदमिया, जिसमें हार्ट रेट की वेरिएबिलिटी की वजह से पेशेंट कोलैप्स हो सकता है। और तीसरी कंडीशन होती है कार्डियोमायोपैथी, जिसमें हार्ट की मसल में प्रॉब्लम होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी हाई रिस्क कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं उन्हें अपनी कार्डियक स्क्रीनिंग ट्रीटिंग डॉक्टर के पास एक्सरसाइज शुरू करने से पहले करा लेना चाहिए। डॉक्टर्स ऐसे पेशेंट्स को इवैल्यूएशन करते वक्त क्या ध्यान रखते हैं कि कुछ स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट कराए जाएं, अगर नेसेसरी हो तो ECG, एक्सरे या 2D एको तक कराया जाए। और एक बात, ये हाई रिस्क कैटेगरी के पेशेंट्स को अपने डॉक्टर से क्लियरेंस मिल गया तो वो डेफिनेटली एक्सरसाइज को बिल्ड कर सकते हैं। अपने एग्जिस्टिंग बिजी शेड्यूल की वजह से बहुत बार लोगों को हर दिन एक्सरसाइज करना मुश्किल होता है, इसलिए कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो वीकेंड पे एक ही बार में 2-3 घंटे का एक्सरसाइज स्ट्रेच कर सकते हैं। पर ऐसा सोचना सरासर गलत है। उसकी जगह पे सभी जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है, जैसे कि अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन, इनका सिंपल सजेशन ये है कि मात्र 20 दिन की फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो रनिंग के फॉर्म में हो, वॉकिंग हो, जॉगिंग हो, स्विमिंग हो, दैट इज इनफ एटलीस्ट इन द बिगनिंग स्टेज अपनी एक्सरसाइज कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए। और उसी के साथ साथ अगर किसी दिन थकान हो रही है, किसी दिन कुछ बुखार है, तो अपनी एक्सरसाइज को आसानी से स्किप किया जा सकता है। इट इज़ नॉट अ कंपल्शन कि उस दिन एक्सरसाइज करना है, मतलब करना ही है। जब भी जिमिंग के दौरान ऐसी कोई न्यूज़ सामने आती है तो लोगों को ऐसा लगने लगता है कि जिमिंग इज़ द बिगेस्ट कल्प्रेट और जिमिंग करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर वो आदमी जो जिमिंग या ओवर एक्सरसाइज करेगा वो मौत के कगार पर पहुंच सकता है।
दोस्तों, लेकिन अगर जिम की एक्सरसाइज एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से की जाए, प्रोग्रेसिव तरीके से की जाए, एक प्रॉपर मॉनिटर्ड वे में की जाए, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। तो जिमिंग और हैवी एक्सरसाइज के दौरान कॉम्प्लिकेशंस या हजार्ड्स को अगर प्रिवेंट करना है, तो ये ध्यान रखें कि आप सही जिम में जा रहे हैं और ऐसी जिम में जा रहे हैं जहां एक प्रॉपर क्वालिफाइड ट्रेनर हो जो आपको अंदाज़ा दे सके कि आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी कैसे धीरे धीरे बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों, जिम और एक्सरसाइज के दौरान अगर ऐसे हजार्ड्स को प्रिवेंट करना है, तो हमें कुछ बेसिक चार टिप्स के बारे में ध्यान रखना है। पहली टिप, मेंटेन योर हाइड्रेशन वेल। जब भी एक्सरसाइज करें, ये ध्यान रखें कि रेगुलर इंटरवल्स पर पानी पीते रहें। अगर पॉसिबल है तो पानी ऐसा हो जिसमें सोडियम और पोटेशियम दो केमिकल सही मात्रा में हो, सो दैट हमारी हार्ट की रिदम मेंटेन हो, और इसके लिए सिंपल ORS इज अ गुड ऑप्शन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, नो व्हेन टू स्टॉप। दोस्तों, भगवान ने हमारी बॉडी इस तरीके से बनाई है कि जब भी हम एक लिमिट से ज़्यादा एक्सर्शन बढ़ाते हैं, तो हमें हमारी बॉडी इंडिकेशन देने लगती है, और ये इंडिकेशन हम ही सबसे पहले पिकअप कर सकते हैं। तो जब भी सीवियर एक्स, पेन्स या कोई भी ऐसा अनयूजुअल सिम्टम आए, अपनी एक्सरसाइज को उसी वक्त रोक दें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज टू स्टे अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स। स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको कंजम्पशन, ये सभी ऐसे केमिकल्स हैं जो एक्सरसाइज के दरमियान कॉम्प्लिकेशंस होने को बढ़ावा देते हैं। आखिरी इंपॉर्टेंट चीज है एनुअल हेल्थ चेकअप। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिकली हर आदमी को एक्सरसाइज के पहले अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को मिलना, कार्डियक क्लियरेंस लेना इज नॉट रियली नेसेसरी, लेकिन अगर हम कम से कम अपने आप को एक एनुअल हेल्थ चेकअप गिफ्ट दें, तो हमें ये तो ज़रूर पता पड़ जाएगा कि हमें कोई लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी डेवलप हो रही है या नहीं। आजकल सोशल मीडिया की वजह से एक फैड हो चुका है कि सभी लोग अपनी चिजल बॉडी को सोशल मीडिया पर डिस्प्ले के लिए रखते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि जब भी हम अपनी एक्सरसाइज प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप्स की मदद से ही एक्सरसाइज को बढ़ाएं। जैसा कि कहते हैं कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो अगर हम अपनी बॉडी को एक अलग लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को एक पीक पर पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें भी ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप्स आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, वीडियो बनाने का इंटेंशन ये था कि जब भी मैं मेरी प्रैक्टिस में पेशेंट्स को सजेशन देता हूं कि आप जिम जाइए, तो लोगों के मन में डर होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं वो किसी कॉम्प्लिकेशन में ना फंस जाएं। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव लाइवलेस उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा इन्फॉर्मेशनल वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी रेगुलर बेसिस पर हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे।